अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुबा वकास खान और आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। आजकल सर्दी का मौसम है और पौधे इस तरह से सूखते जा रहे हैं। आप देखें कि ये जो इनकी मिट्टी है ये भी बिल्कुल ड्राई होती जा रही है। तो पौधों का बहुत ख्याल रखें अपना। और आज जो मैं आपको जिस बीमारी का इलाज लेके आई हूँ पौधों की, वो बीमारी शायद हर पौधे को होती है। और अभी मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताऊँगी कि मैं कौन सी बीमारी का आपको इलाज बताऊंगी। तो इस पौधे को जो बीमारी है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ करीब से। ये इस पौधे को बीमारी है, कीड़ा लगा हुआ है इसको। ये देखिए पूरा बीमार नहीं है, ये इसको कीड़ा लगा हुआ है और इस कीड़े को कहते हैं मीली बग कहते हैं इस कीड़े को। ये होता है ऐसा, जैसे हमारे पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं इस तरह से ये पौधों में हो जाता है। ठीक है, पेट के कीड़ा खून चूसता है और ये पौधे की नग्न नशोनुमा होने से रोकता है। ये देखिए ऐसा होता है। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका इलाज है। और इसका इलाज ये है कि आपने नीम ऑयल के बारे में तो सुना होगा, क्योंकि नीम ऑयल जो होता है वो एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने नीम ऑयल लेना है। ये नीम ऑयल है, इसको आपने लेना है। ये देखिए नीम ऑयल है, इसको आपने लेना है। 1 टेबल स्पून नीम ऑयल 1 लीटर ठंडे पानी में डालना है आपने। ये 1 टेबल स्पून नीम ऑयल को 1 लीटर ठंडे पानी में मिला के ऐसे किसी स्प्रे की बोतल में भर लें, ऐसे स्प्रे की बोतल में भर लें। ठीक है, इसको अच्छी तरह से शेक करना है और उसके बाद जहाँ जहाँ पे ये पौधों पे कीड़े हैं वहाँ वहाँ स्प्रे कर दें। इसी तरह सारे पौधों को स्प्रे करते, मैं आपके सामने भी करती जा रही हूँ, लेकिन इसको आप स्प्रे करें। और अगर आपको स्प्रे आपके पास नहीं अवेलेबल, तो आप उस वक्त ये करेंगे कि आप इसको जिस शाख पे भी लगा हुआ है, ये जैसे शाख है ना नीचे यहाँ पे कहीं पर कहीं भी, आप उसको तोड़ के और जितनी शाख है जैसे वाली है इस पर लगा हुआ है, ठीक है, आप इसको तोड़ के और इसको आपने ज़मीन में दबा देना। इसको फेंकना नहीं है कहीं, वरना अगर आप ये नहीं दबाएंगे तो फिर ये दोबारा से पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक हल ये भी होता है और एक हल ये होता है कि आप इसको अपने पौधों को नहला दें पानी से, अच्छी तरह से वॉश कर दें और इनको फिर आप, लेकिन आपने ये जो स्प्रे मैंने आपको बताया नीम ऑयल का, ये आपने हर 15 दिन के बाद अपने पौधों में ज़रूर स्प्रे करें ताकि आपके पौधे रहें हेल्दी। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ जो हमें ये मीली बग साफ़ करने का तरीका है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अगर आपके पास मीली बग वो नीम ऑयल नहीं है तो ये तरीका आपके लिए ही है। इस तरीके से आप ये साफ़ कर सकते हैं। आपने लेना है रबिंग अल्कोहल, ठीक है, रबिंग अल्कोहल या सैनिटाइज़र और एक कॉटन बॉल, ये लेना है आपने। और अब आपने क्या करना है, कॉटन बॉल के ऊपर अल्कोहल को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब इसको जहाँ जहाँ पे है ये वहाँ वहाँ पे लगाएंगे। मुझे जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वहाँ वहाँ पे, जो
ये यहाँ पे इसको साफ करना है। देखिए साफ होता जा रहा है पत्ता, और भी जिस जिस जगहों पर कॉटन लगा के साफ करें अच्छी तरह से, कॉटन भी लगाएं अच्छी तरह साफ करें, साफ करते रहें इसको। देखिए कि अच्छी तरह से साफ होता जा रहा है, जहाँ जहाँ है वहाँ 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 इस हिसाब से। सारे मेरी रूल पे आप तैयार हैं, दिख रहा आप होगा मैं, ये देखें काली काली से ये गर्मी आ रही हुई घुसे घुसे से इन सबको साफ। और तीसरा तरीका मेरे पास है, ये नंबर थ्री, तीसरा तरीका ये है कि आप पानी लें और ठंडे पानी में सर्फ डालें और सर्फ से इसको साफ करें अच्छी तरह से, इसको ऊपर स्प्रे करें छत वाला, तो इससे भी ये मीली बग जो है ये दूर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई होप यू लाइक द माई वीडियो।